सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। मंगलवार की देर शाम अचानक हुई मूसलाधार बारिश व तेज आंधी के साथ बादल की गड़गड़ाहट से बंसीनगर थाना क्षेत्र के ठड़का ग्राम निवासी 56 वर्षीय रामदास पासवान की मौत मंगलवार को वज्रपात होने से हो गई। घटना की सूचना मिलने पर थाना के एसआई श्रीकांत पांडे ने बुधवार की सुबह मृतक के घर मामले की जानकारी ली और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि रामदास पासवान के पुत्र प्रमोद पासवान और विनोद कुमार पासवान ने थाना प्रभारी को आवेदन देकर घटना की जानकारी दी। आवेदन में कहा गया कि मंगलवार को उनके पिता रामदास पासवान गाय बैल चराने बंबा डैम की तरफ गए थे। इसी बीच शाम को तेज आंधी व गरज के साथ वर्षा हुई। जब रात्रि 10 बजे तक घर वापस नहीं पहुंचे तो घर के लोगों ने उनका खोजबीन शुरू किया। रात्रि लगभग 11:30 बजे बंबा डैम के पास एक खेत में रामदास पासवान औंधे मुख गिरे मिले। वज्रपात से हुई मौत की जानकारी मिलने पर राजस्व कर्मचारी अरुण कुमार मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को मिलने वाली सरकारी प्रावधान के अनुसार दिलाने का आश्वासन दिया। बंसीधर नगर से शुभम जायसवाल की रिपोर्ट। तो गांव से सूचना मिली कि रामदास पासवान की जिनका मौत हुआ है वज्रपात से, तो उनको अंचल की तरफ से जो भी सहाय मिल से राशि 4 लाख रुपए मिलता है वो राशि उनको उचित प्रावधान के तहत मिलेगा। अभी तो फनाया वो जा रहे थे गाय चराने, गाय को दाबने के लिए, और उसी में वो लौका तड़का उसी में मार दिया वजह गिर गए आरी पर अपना। कब हुई है घटना? 3:30 बजे का। आपको लोग को कब पता चला? हम लोग को पता चला 11 बजे रात को। मतलब ऐसे हम लोग खोज रहे थे, सुबह से खोज रहे थे, मतलब जैसे नहीं गायब हुए 3:30 बजे के लगभग हम लोग खोजना शुरू किए, लेकिन नहीं मिले। हम लोग सोचे इसी में कि कहीं गए होंगे दूसरे घर, लेकिन फिर रात हो गया तो नहीं आए, तो फिर हम लोग फिर से खोजना शुरू किए, तब जाके मिले 11:30 बजे। कहाँ पर मिले थे? वो मेरे घर के बस बगल में। कहाँ पे घर? वहाँ डैम के उस कनकटवा। तो अभी का है नहीं प्रसाद क्या।